कराची जाने के लिए हमें एक ट्रेन मिल गई और जिसका बड़ी देर से इंतजार और ये ट्रेन आ गई। सर्कुलर रेलवे की वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और अभी हम इंजन के अंदर सफर ट्रेवल कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो उसने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये रेलवे ट्रांसपोर्ट टिकट ले ली थी। हम लोगों ने 30-30 रुपए की टिकट है, ये देख लीजिए आपने मीडिया वालों ने टिकट ले ली है। बेन कासिम के बाद कौन सा 40 मिनट का ये सफर करने के बाद हम लोग दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं सिटी स्टेशन पे। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आपने एक रात में वीडियो बना दी है जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे 6 बजे पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हैं सर्कुलर रेलवे की वो ट्रेन खड़ी है जो यहाँ से लेके पिपरी भाभी जी तक जाती है। ये रोज़ सुबह 7 बजे यहाँ से ट्रेन ये चलना शुरू होती है और शाम को 5 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है सिटी स्टेशन से, कैंट स्टेशन से नहीं। पहले हम लोग समझ रहे हैं कैंट स्टेशन चलती है लेकिन ये सिटी स्टेशन से चलती है। दो टाइम ट्रेन चल रही है इस टाइम पे, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे फिक्स चल पड़ती है और तकरीबन इसके 14 से 15 स्टॉप हैं। धाबे जी पिपरी पे इसका एंड में स्टॉप हो जाता है, तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये लेती है टोटल अपने स्टॉप तक पहुँचने के लिए। तो हमने गाड़ी तो यहाँ पार्क कर दी है, हम लोग धाबे जी पिपरी स्टेशन तक जाएंगे और वहाँ से कुछ अपनी इंतज़ाम करके यहाँ वापस आएंगे, अपनी गाड़ी भी लेनी है हम लोगों ने। तो अभी आपकी जो ट्रेन में जो ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं तो उनसे भी आपकी एक छोटा सा इंटरव्यू करवाते हैं और ट्रेन के अंदर बैठ के सफ़र भी करेंगे और सारे स्टेशन भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और कंप्लीट मालूमात जो आपको इस सर्कुलर रेलवे के हवाले से अभी तक नहीं मिली वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो फिर आओ मेरे साथ। इस टाइम पे इंजन के अंदर हूँ, सर्कुलर रेलवे का इंजन है इस टाइम पे और अभी बस ये 7 बजे ट्रेन यहाँ चल पड़ेगी और जैसा आपको ने बताया है कि 14 से 15 स्टेशन के बाद जो है हम धाबे जी पिपरी पहुँच जाएंगे और अभी आपकी जो ट्रेन के जो इंजन के जो ड्राइवर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताओ पूछते हैं कि जिनको कैसा फील हो रहा है इसको अभी ये चला के। अस्सलामुअलैकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे खैरियत से? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह से अभी काफ़ी टाइम के बाद सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हुई है, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी? आपको तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई है चलाने की। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील है। लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है सर्कुलर रेलवे को लेके? काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, रिस्पांस मिलता जा रहा है, रिस्पांस बेहतरी की तरफ है सर्कुलर रेलवे। अच्छा लोगों को प्रॉपर आगाही नहीं है इसकी कि सर्कुलर रेलवे चल गई है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ अलग खबरें आ रही हैं और कि चल रही है पूरी प्रॉपर नहीं चल रही, तो आप ये ज़रा पब्लिक को बताएं कि जी दो टाइम की ट्रेन इस टाइम पे चल रही है कराची के अंदर। जी हाँ, दो टाइम से चल रही है, एक सुबह 7 बजे सही है केवाईसी से कराची सिटी से चल रही है और एक शाम को 5 बजे चल रही है कराची सिटी से और इसी तरीके से धाबे जी से सुबह 7 बजे चल रही है और शाम को 4:30 बजे चल रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम दिया अपने लिए। बहुत शुक्रिया राइट भाई, थैंक यू। तीन हमारे दोस्त हमारे साथ और भी मौजूद हैं जो हमारे साथ अभी ट्रैवल करेंगे, मोहसिन भाई। हम लोग सिटी स्टेशन से अभी कैंट स्टेशन की तरफ ट्रैवल करके जा रहे हैं जाहिद भाई के साथ। जाहिद भाई ने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और अभी हम इंजन
आपको दिखाते हैं कि फ्रंट से कैसा लगता है इंजन से। सिटी स्टेशन से चल के अभी कैंट स्टेशन पे हैं। हर स्टेशन पे तकरीबन इसका जो टाइमिंग है रुकने की वो 3 मिनट की है। अभी हम लोगों ने सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन तक इंजन के अंदर सफ़र किया है। माशाल्लाह जाहिद भाई ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड की, बहुत माशाल्लाह हम्बल इंसान है। तो अभी हम लोग मुसाफिरों के साथ सफ़र करेंगे यहाँ पे और ये बताएंगे कि जी आगे का सफ़र कितने स्टॉप है, हर स्टॉप पे आपको उतर के दिखाएंगे। और माशाल्लाह से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे ट्रेन चली है और यहाँ पे भी 3 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपने अगले स्टॉप की तरफ जा रही है, फिर अगले स्टॉप से आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं शेख रशीद का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये रेलवे ट्रांसपोर्ट जो बनाई है, लोकल ट्रेन बहुत अच्छी बनाई है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और शाना बशाना हमारे मुल्क को ऊपर अल्लाह ताला रहम रखे और हर तकलीफों से दूर रखे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क को कामयाब करे, ये रेल को कामयाब करे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही शुक्रिया अदा करते हैं हम इमरान खान का कि जो आने जाने में हमें आसानी हो गई है। आसानी हो गई। ये देखो बहुत अच्छी बात है, रेलवे सर्कुलर ट्रेन में आज मीडिया वालों ने भी 2 टिकट ले ली है। इनको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, सलूट करता हूँ कि मीडिया वालों ने भी आज टिकट ले ली है। बहुत खुशी की बात है। अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, अच्छा हो गया, इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी हो जाएगा। मीडिया वालों ने कहला कि इन्होंने टिकट ली है, हम दोनों इसकी इनको सलाम करते हैं। थैंक यू। टिकट ले लीजिए, हम लोगों ने 30-30 रुपए की टिकट है, ये देख लीजिए, इस पर मेंशन भी है, ये देख लीजिए 30-30 रुपए मेंशन हुआ है इसके ऊपर। और काफ़ी अप्रिशिएट किया भाई हम लोगों की, आपने मीडिया वालों ने टिकट ले लिया। आपकी सीट देखें, टेबल, चार्जिंग स्लॉट भी दी हुई है, ये देखें, और सीट भी माशाल्लाह से बड़ी कम्फर्टेबल है। 30 रुपए किराया है इसका जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है और काफ़ी सारे लोग हमने पिछली जो बुकिंग है उसके अंदर भी देखे हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत है लोगों को इस ट्रेन के बारे में प्रॉपर टाइमिंग की आगाही नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को प्रॉपर आगाही दी जाए कि सुबह 7 बजे ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है और शाम को 5 बजे, ये 2 टाइम है इस टाइम पर। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे ये रास्ता क्लियर होता जाएगा तो ये ट्रेन की जो और ट्रेन जिस रास्ते इस रूट पर चल पड़ेंगी और अल्लाह करें कि आगे भी रूट हमारे जो जो कब्जा माफिया है जो यहाँ पर घेरा हुआ है जिन्होंने ट्रेन के ट्रैक को, सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को, वो क्लियर हो जाए और हमारे कराची वालों के लिए आसानी हो सके ज़्यादा ज़्यादा, तो भी इंशाल्लाह आपको आगे जितने स्टॉप आते हैं उसको उतर के दिखाते जाते हैं और आपको एंड तक हम जितनी ट्रेन का एंड है वहाँ तक आज दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। डिपार्चर यार्ड ये दूसरा इसका स्टॉप आता है जहाँ भी 2 मिनट की रुकती है। इसके बाद तीसरा स्टेशन आएगा डिग रोड, अब डिग रोड पर हम आपको दिखाते हैं। स्टेशन पे हम लोग उतर गए हैं अभी, आज जहाँ पे 2-2 मिनट रुकती है। इरफान भाई ये हमारे साथ हैं, ये देखें, और हम लोग अभी साथ ट्रेवल कर रहे हैं और अभी ट्रेन चल पड़ी है तो हम लोग अगले स्टेशन पे अब आपको बताते हैं कहाँ पर रुकेंगे। ड्रेक कॉलोनी का 4th स्टॉप है जिस पे तकरीबन ही 1 मिनट ट्रेन रुकी है, इसने उतरे नहीं नीचे। और ये देखें ड्रेक कॉलोनी से ये 5वां स्टेशन है एयरपोर्ट का, अब यहाँ भी कोई हार्डली 1 मिनट रुकी है और चल पड़ी है ट्रेन। ये दूसरी ट्रेन है
मलीर कानूनी का ये पांचवा स्टॉप है जी, जहाँ पे भी हार्डली एक मिनट भी ये ट्रेन स्टॉप नहीं कर रही है और आगे चल रही है। ये जी छठा स्टॉप आ गया जी इसका मलीर का, अब यहाँ पे भी तकरीबन ट्रेन हार्डली एक मिनट रुकी है। ये छठे, अगर आप सिटी स्टेशन को काउंट करते हैं तो ये सातवां स्टॉप है, अदरवाइज़ ये जो उसकी सिटी स्टेशन के चलने के बाद ये इसका छठा स्टॉप है। तो फिर हम अब ट्रेन चल रही है और हम उसमें बैठ जाते हैं। आ गया जी लैंडिंग का स्टॉप, आ गया लैंडिंग का स्टॉप, आ गया ट्रेन, देखिए जी लैंडिंग का स्टॉप आ गया, आठवां स्टॉप है ये लांडी का। ये था जी जुम्मा गोड़ का स्टेशन और अब आ रहा है इसके बाद बिन कासिम। बिन कासिम आपको पहुंच के दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी गाड़ी खड़ी है सिटी स्टेशन पे छोड़कर आए हैं जी, और आप लोगों को पूरा एंड तक दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से कोई बस लेंगे, लेकिन पता चला है कि यहाँ से कोई बस नहीं मिलती, तो आप दुआ कीजिएगा कि हम लोगों को बस मिल जाए और हम लोग वापसी खैर खैरियत से पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना भी ज़रूरी था कि ट्रेन कहाँ तक जाती है। तो फिर आओ मेरे नाल, अब हम लोग बिन कासिम के स्टेशन पर मौजूद हैं, मुझे ट्रेन जा रही है सामने से। ये बिन कासिम का स्टेशन है और साथ साथ आपको आगे आगे मज़ीद अभी हमारे दो स्टेशन बाकी हैं, और ये जो ढाबे जी का स्टेशन है कराची की हदूद से बाहर चला जाता है, बस वहाँ पे जाके फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से बस मिल जाए या कोई और चीज़ हमें मिल जाए तो हम लोग उसको। एक और स्टॉप पे जी रुकी है ट्रेन, मार्शल यार्ड कॉलोनी। ये देखें जी इसके बाहर का हम कुछ आपको सीन दिखा देते हैं। अब हम यहाँ से ढाबे जी के लिए बस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से ट्रेन की टाइमिंग, ट्रेन की सफाई बहुत बेहतरीन, आम पब्लिक के लिए वाकई में एक तोहफा है। हमारी हमारा जो मीडिया है वो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से सब बहुत बेहतरीन है। ये आप सीट वगैरह देखें भाई, क्या कहेंगे यार? बहुत अच्छा ट्रेन तो बहुत नाइस बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा है, और बाकी भी जो सीट है वो बड़ी कंफर्टेबल सीट है। पसंद आई आपको ट्रेन? बहुत ज़्यादा, सफ़र भी बहुत अच्छा लगा। पहले स्टॉप से हम बैठे हुए सुबह 7 बजे और अभी आखिरी स्टॉप पहुँचने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, टाइम भी वेस्ट नहीं करा, हर स्टॉप पर तकरीबन एक एक मिनट। बिन कासिम के बाद ये बादल नाले का स्टॉप आया है, वो देखिए और यहाँ पे बस ट्रेन रुकी है और चली है, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरा। सुबह 7 बजे ये ट्रेन सिटी स्टेशन पे चली और 8:40 पे हम लोग ढाबे एक घंटा और 40 मिनट में हम लोग इस स्टेशन पे पहुँचे हैं। माशाल्लाह से बहुत हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत हम लोगों ने इसके एंजॉय किया, लोगों से बात की और ट्रेन की अंदर सफाई देखी, ट्रेन का निज़ाम देखा माशाल्लाह से। चार्जिंग स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। क्या स्टेशन है जी? स्टेशन तो कोई नज़र नहीं आ रहा वैसे मुझे यहाँ पे, लेकिन ये है कि एक स्टॉप है गगर फाटक का, उन लोगों के लिए जिनके लिए, क्योंकि यहाँ से कराची की तक जाने वाली बसेस जो है ना बहुत कम है, तो ये एक माशाल्लाह से बड़ा एक अच्छा स्टेप है कराची के लिए और कराची के लोगों के लिए माशाल्लाह से। तो आपको इसलिए हर स्टॉप पे दिखा रहा हूँ कि ये स्टॉप हैं इसके, और मेरे साथ देख सकते हैं आप पीछे तक आप ढाबा जी और पिपरी का स्टॉप जी आने वाला है, बस वहाँ पे आपको फिर एंडिंग करेंगे इस वीडियो की।
दोस्तों एक घंटा और 40 मिनट का ये सफ़र करने के बाद हम लोग धाबी जी के स्टेशन पे पहुँचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, धाबी जी का स्टेशन ये मौजूद है। ये इसका राइट नाउ जो सर्कुलर रेलवे जो स्टार्ट हुई है, ये इसका आखिरी स्टॉप है। तकरीबन इसके 14 से 15 स्टॉप्स हैं, जिसके बाद वो धाबी जी पहुँच गए हैं। बहुत आसानी का सफ़र है ये, जो बसेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू आप सफ़र करते हैं वो बहुत मुश्किल सफ़र है। ये सफ़र एक बहुत आसान सफ़र रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 30 रुपये हमने इसका किराया दिया है और बहुत इन्जॉय किया। सफाई के एतबार से, टाइमिंग के एतबार से, सहूलत के एतबार से अगर आप देखें तो 30 रुपये के अंदर ये सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें। मेरा फेसबुक के ऊपर भी ईट एंड डिस्कवर के नाम से पेज है, उसको लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों तक ये आगाही पहुंच सके कि ये ट्रेन चल रही है। जो मीडिया पे खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी कोई सहूलत नहीं है और यूँ दिया है, लॉलीपॉप दिया, ऐसी बात नहीं है भाई। कोई चीज़ अगर चल गई है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो और उसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सुबह 7 बजे ट्रेन वहाँ से चलती है और शाम को 5 बजे सिटी स्टेशन से ये ट्रेन चलती है, ठीक है जी। उसके बाद ये कैंट आती है, कैंट के बाद ये डिफरेंट अपने स्टॉप्स करते हुए डिग रोड, मलीर, फिर सारे अपने स्टॉप्स क्रॉस करते हुए आखिरी स्टॉप इसका जो है धाबे जी है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोगों को वापस जाना है क्योंकि हमने अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ पर छोड़ी थी सिटी स्टेशन पर। अब दुआ करें यहाँ से हम लोगों को कोई चीज़, कोई बस वगैरह मिल जाए तो हम कराची वापस जाएँ और अपना ये सफ़र का अख्ताम करें। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोगों ने वीडियो बनाई है। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।